और वो लड़की पहले मैं भी डरता था। चौरासी हजार हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों की खातिर मर गए, अलग अलग मुल्कों में लड़ते हुए मर गए। मिलिट्री में होता क्या है कि आप एक बार मिलिट्री ज्वाइन कर ली तो आप हो गए जानवर की तरह। आपको जो हुकूमत हुकुम मिला हुकूमत से आपको उसका मानना है। जैसे हमारे सिपाही थे जलियांवाला बाग में जिन्होंने हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलाई थी, वो सारे के सारे ज़्यादातर सिपाही हिंदुस्तानी थे, लेकिन हुक्म था तो उनको मानना पड़ा। उसी तरीके से जो 84,000 लोग मरे जिनके नाम इंडिया गेट पे दर्ज हैं, आप गौर करना कभी जाके इंडिया गेट पे पढ़ना, ये वो सिपाही हैं जो अंग्रेजों का की खातिर मर गए। तो इसलिए आप ये सोच के ना चलें कि मिलिट्री ने जो काम कर दिया वो देशभक्ति का है और बाकी का नहीं है। तो इसमें सत्याग्रह की लड़ाई में बंदूक के जोर का, पैसे के जोर का इस्तेमाल ना के बराबर कोई इस्तेमाल नहीं। इसमें इस्तेमाल है आपकी अंदर की सच्चाई का और आपकी ईमानदारी का। ईमान का इम्तहान है ये। लिहाजा इस सत्याग्रह को अपन जो बेटियां चला रही हैं इसको आपसे जो बन सके सच्ची मदद ये होगी कि इनके बारे में अपन एक लफ्ज गलत ना बोलें कहीं। भले ही हमारे प्रधानमंत्री गलत बोल जाएं, भले ही हमारे गृहमंत्री गलत बोल जाएं, कोई भी गलत बोल जाए, ये लड़कियां हिंदुस्तान की सच्ची भारत माता है। आप भी भारत माता हो, भारत माता कोई अलग से कोई लड़की नहीं बैठी है, हर लड़का और लड़की जो इस मुल्क में पैदा हुआ भारत माता ही है और अपन को इनका सबका सम्मान करना है। बेहतर ये है कि हमें हमारे एक दोस्त है प्रोफेसर कुरैशी, उन्होंने बड़ी गजब की बात बताई। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया मोहम्मद साहब का एहतराम करती थी, इज्जत करती थी, लेकिन जब उनकी बेटी घर आती थी तो खड़े होकर इसका इस्तकबाल करते थे। वो शख्स जिसके सामने सारी दुनिया झुके और वो अपनी बेटी का इस्तकबाल करे, आप गौर करो, ये हमारे लिए सीखने की बात है। ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस आंदोलन की, CAA को रद्द कराने के साथ साथ अगर हमने अपनी लड़कियों का सम्मान करना सीख लिया तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान ज़हनियत के मामले पे, तहजीब और संस्कृति के मामले पे एक पायदान ऊंचा उठ जाएगा। ये हमें करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो करने की ज़रूरत है, अपने दिलों से हमें घृणा और घमंड मिटाने की ज़रूरत है। इंसान के सबसे बड़े दो ऐब हैं, नफ़रत किसी से करना और अपनी जात का, अपने दौलत का, अपने धर्म का, अपने देश का घमंड जताना।